जल एक ऐसा तत्व है जिसके बिना जीवन का चक्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मनुष्य अनादिकाल से ही नदियों के निकट निवास करता आया है। नदियां ही सभ्यता का पोषण करती हैं, मानव की बाह्य और आंतरिक शुद्धि करती हैं और इस संसार के प्रत्येक जीव को तृप्त करती हैं। देविका नदी भारत के पवित्र नदियों में से एक है, जो शुद्ध महादेव के ठीक ऊपर लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर विशाल पर्वत से देविका अपना अंतिम आकार लेती है। उधमपुर से होकर बहने वाली पवित्र देविका का उधमपुर के लोगों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। उधमपुर की धरती को देवनगरी के नाम से जाना जाता है। नेला मुनि द्वारा 7वीं शताब्दी में लिखे गए नीलमत पुराण में यह उल्लेख किया गया है कि देविका स्वयं देवी पार्वती की एक अभिव्यक्ति है, जो कि मध्य देश के लोगों को लाभान्वित करती है। स्थानीय लोगों के अनुसार नदी फग्गन चतुर्दशी फरवरी मार्च द्वापर युग के अंत में शिवरात्रि पर प्रकट हुई थी, जब ऋषि कश्यप ने मध्य के पापियों की शुद्धि के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव पत्नी उमा पार्वती देवी को देविका रूप में दुग्गर की धूम से बहने के लिए कहा, जो कोई भी इस नदी में स्नान करेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान शिव स्वयं देविका नदी के तट पर कई स्थानों पर लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, जिनमें से शुद्ध महादेव उधमपुर पुरमंडल और उत्तर वहिनी सबसे प्रसिद्ध है। पद्म पुराण में भगवान कृष्ण ने एक बार युधिष्ठिर से कहा था, यहां तक गंगा नदी भी जब शुद्धिकरण के लिए स्नान करने दुष्टों के पाप करने से अभिभूत हो जाती हैं, स्वयं से छुटकारा के लिए देविका में स्नान करने आती हैं। इस मंदिर की बाहरी भाग को 2000 विक्रमी से शंकर सेवक द्वारा जीर्णोद्धार किया गया। 1962 में निर्मित एक शिव पार्वती मंदिर भी है और साथ में नंदीगढ़ की दूसरी तरफ नरसिंह महाराज की प्राचीन मंदिर, भगवान सत्यनारायण श्री राम हनुमान राधा कृष्ण आदि जगत जननी माँ दुर्गा के मंदिरों को जोड़ा गया है। मंदिर परिसर में ही एक विशाल से मूर्ति है, जो कि 71 फीट की है और उसके सामने नंदी महाराज। मंदिर परिसर को देखने में बहुत मनमोहक प्रतीत होता है। देविका प्राचीन काल से धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं का पर्याय बन गई है। लोग धार्मिक त्योहारों और अन्य अवसरों की पूर्व संध्या पर इसके किनारे भीड़ एकत्रित होती है। लेकिन यह पवित्र नदी खतरनाक दर से प्रदूषित हो रही है। शहर का कचरा नदी में मिल जा रहा है, जिससे धीरे धीरे नदी का पानी दूषित हो जा रहा है। किंतु भारत सरकार द्वारा देविका नदी की परियोजना मार्च 2019 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शुरू किया गया है। इस परियोजना में 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 129.27 किलोमीटर लंबा सीवेज नेटवर्क, सुरक्षा एवं भू कैंपिंग, जल विद्युत संयंत्र आदि का निर्माण कार्य शामिल है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और अपने भक्तिमय विचार को कमेंट करना ना भूलें, जिससे ऐसे ही वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।